आप लोग ऐसे हैं। अब ये मुझे बताइए कि आप अपना स्टैंड पंजाब के हिसाब से लेंगे या दिल्ली के हिसाब से लेंगे आज? देखिए, हमारा स्टैंड हमेशा से जनता के साथ रहा है, मुद्दों के साथ रहा है, व्यक्ति विशेष या दल विशेष के साथ हमेशा मुद्दों के आधार पर रहा है। जो ये पंजाब की जो घटना है, निश्चित तौर पे शर्म करने वाली है, शर्मसार करने वाली है, निंदा होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कहीं कोई बचाव या कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक चलन चल चुका है, खासतौर से बीते 8-10 वर्षों में हमने देखा है कि जब जो बड़ा दल होता है, जो सबसे बड़ा परिवार का कोई मुखिया होता है, या जो आज के वर्तमान की हम बात करें, तो जब आप अपने दल के नेताओं का बचाव करते रहेंगे, जब इन भारतीय जनता पार्टी जो इस देश का सबसे बड़ा दल है, जो सबसे बड़ा सत्ताधारी दल है, उनके तमाम ऐसे उदाहरण हमने देखे कि जहां कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, उदाहरण पेश करना चाहिए था, जो पहले की सरकारों के समय में, पहले की पार्टियों के समय में जिस तरह का एक महिलाओं के सम्मान की बात होती थी, सम्मान के साथ साथ कार्रवाई भी होती थी, इसलिए महिलाओं का सम्मान। अभी तो राधिका खेड़ा का भी सामने आपके सामने है कि हम विषय नहीं बोले, लेकिन हमने नहीं देखा है कि जब हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब की सरकार में संदीप सिंह खेल मंत्री थे, 500 लड़कियों के साथ उनके साथ यौन शोषण के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे, कितने समय बाद निकाला, आरोप लगा और कार्रवाई हुई। आप बृजभूषण शरण का तो पूरा देश बार बार उसका नाम लेता है, बता दीजिए आज तक कोई कार्रवाई की हो? कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, तमाम तरह के ऐसे उदाहरण है। आप अंकिता भंडारी को ले लीजिए, आप हाथरस की बेटी को ले लीजिए, बिल्किस भानो के हत्यारों को किस तरह, हाथरस की बेटी में तो फर्जी आरोप निकल गया, आपका डॉक्टर वो केस था, हाथरस की बेटी का आप क्यों नाम ले रहे हैं, डॉक्टर केस था वो, जब बलात्कारियों को सत्ताधारी दल जेल से छुड़वा करके और उनका सम्मान करे। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस आज केजरीवाल के सेक्स रैकेट को डिफेंड कर रही है, उदाहरण पेश कर रहे हैं, उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि आप बड़े से बड़े बड़े सत्ताधारी दल में आइए, कुछ भी कीजिए, आपको संरक्षण मिलेगा। देखिए, मैं आपसे अनुजी मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगी, आपको सम्मान छुड़वाया जाएगा, कोर्ट के आदेश को पलटा जाएगा और आपका सम्मान होगा। ठीक है अनुजी, आज आप यहाँ ये बैठकर ये कह रहे हैं, आपके जो नेता है चन्नी साहब पंजाब में, वो कह रहे हैं ये घोर भ्रष्टाचारी है, इसे पंजाब में घुसने मत देना। चन्नी साहब, ये तो बात कहा जा रहा है, घोर भ्रष्टाचारी, इसे पंजाब में घुसने मत देना। मैंने तभी कहा कि आज आप बलकार पर ये वाला स्टैंड लेंगे या ये वाला स्टैंड लेंगे, क्योंकि मुश्किल आप लोगों के लिए बलकार पर। जी, आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी पंजाब के लिए है, यहां पर दिल्ली के लिए वो भ्रष्ट नहीं है, दिल्ली के लिए वो समर्थन के साथी हैं। समस्या ये है कि इनकी तारीफ में आपके नेता कई बातें करते आए हैं, उनके वीडियो सामने आए हैं। ये बलकार सिंह पर राघव चड्ढा से लेकर इनके बड़े बड़े नेता तारीफ के पुल बांधते रहे हैं, और इनका जब वीडियो सामने आया है तो क्या दिक्कत होगी इस वक्त जिस तरह की मुसीबत में आम आदमी पार्टी है विभव घटना के बाद, क्या अब उनके लिए मुश्किल है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है किसको साथ रखें किसको अलग करें? सुचरिता जी, दिल्ली में ये जानी दोस्त हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं पंजाब में। अब देखिए, दिल्ली में जो शराब घोटाला था वो तो कांग्रेस ही ने उसको उठाया, जो खालिस्तानी परस्त आम आदमी पार्टी को जो पार्टी कहती है वो कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हो जाते हैं तो चुप हो जाती है। अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है बलकार सिंह भी वहां पे विलेन बन जाएगा। ये भाई साहब शायद जानते नहीं है कि दिल्ली के चुनाव हो गए हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं और आउट ऑफ डेट है, नहीं तो ये भी वही कहते हैं जो कांग्रेस इस वक्त कह रही है। पंजाब यूनिट पूरी तरह से बलकार को थू-थू कर रही है, शायद उनको ये दिल्ली वाले मोड में है, पंजाब वाले मोड में नहीं है। लेकिन अब देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत देर तक बोला मैं चुप रही सुनती रही। जब बात थी ब्रजभूषण की, अखिलेश यादव जी को बाकायदा शुक्रिया कहा ब्रजभूषण ने कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा साथ दिया, और अखिलेश जी भी कुछ उसमें बोले नहीं। अभी बड़ा आसान है अजीज साहब को बोल देना और कुछ भी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोले वो। दूसरी बात, पूरी वहां पे जांच हो रही है, जहां तक बिल्किस बानो का मामला है, 14 साल रहे हैं वो लोग जेल में, फिर बाहर आए और फिर अंदर गए। जहां तक बात है 6,000 रेप जो अशोक गहलोत की सरकार के अधीन रहे हैं, या फिर वो फेमस निर्भया मामला जो दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित की सरकार में हुआ है, इसके बारे में जिक्र करेंगे नहीं। तो यानी कि ये चुनेंगे उन हरकतों को, उन रेप्स को जो भाजपा शासित राज्य में है। देखेंगे मजहब किसका है, कौन है रेपिस्ट, कौन है रेपी विक्टिम, और फिर बोलेंगे। लेकिन जब इस तरह के वाकया जो वीडियो वायरल हो रहा है मौजूदा तौर में,
चले जाएंगे अतीत में, भविष्य में, इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए इज्जत है नहीं दरअसल, सिर्फ उनको राजनीति करनी है। और स्वाति मालीवाल से मेरे बड़े बहुत ज्यादा मतभेद हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन जहां तक बात है महिला की और सारी महिलाओं की, चाहे वो उन रेसलर्स की बात हो या फिर बिल्किस बानो की बात हो, हमने उसको उठाया है। पर मैं राजस्थान के भी रेप्स की बात करूंगी, निर्भया की भी बात करूंगी, और कांग्रेस शासित राज्यों में भी क्या हालत है उसकी भी बात करूंगी। तो ये नहीं कि मैं चुन चुन कर बात करूंगी, और ये मैं देख रही हूँ, और बहुत शर्म की बात है ये, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक महिला होकर आप वो सारी जो आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं उनका उनका जिक्र भी नहीं हुआ, उसके बिना आप उनका जिक्र खुद कर कर बता रही हैं कि उसमें क्या हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक महिला प्रवक्ता है, आपको इन सवालों के सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की जो बेशर्मी वाले वीडियो सामने आते हैं तो आप सोचिए कि क्या संदेश जाता है। आप एक महिला प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, और आपसे ज्यादा पूछा जाएगा कि इन वीडियोस पर तो बोलिए आप, आपका ईमान नहीं जागता क्या? ये सवाल पूछे जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, महिला एंकर से पूछे जाते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब ये वीडियोस आते हैं, प्रज्वल रेवन्ना को कोई डिफेंड करेगा क्या? आपकी पार्टी पर और आपके गठबंधन पर वो एक दाग सा लगा है, और वहां कर्नाटक में उसको लेकर अगर वोटिंग हुई है वो कैसे होगी वो मैं नहीं जानती हूं। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति को लेकर छोटी सी बात सुचेता जी, बोलिए बोलिए जी। जय शंकर जी का बयान आया है कि 31 तारीख को कांग्रेस ने बाकायदा पत्र लिखा है, एक महीना इंतजार किया है उनके एक्सट्रेडिशन के लिए। आप ही बताइए क्यों कांग्रेस पार्टी रुकी रही, लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन था? मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूं चंद्रिका जी, जरा ये जो बलकार सिंह है ये पंजाब के मंत्री है, और इन्होंने किस तरह की हरकत की जो वीडियो सामने आए, क्योंकि इस तरह का वीडियो कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन एक महिला को किस तरह से नौकरी देने के का एक झांसा देकर या फिर वो प्रलोभन देकर उससे कहा जाता है कि आप अपने कपड़े उतारिए, फिर इस तरह की शर्मनाक हरकत उस वीडियो में होती है, इस तरह के वीडियो एक मंत्री के सामने आ रहे हैं, आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के वीडियो आने के बाद मिनिमम बेर मिनिमम आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम अभी अपने आप को इस व्यक्ति से अलग कर रहे हैं, इस मामले में जांच होने दीजिए, ये तो कहा जा सकता है, ये भी नहीं कहा है चंद्रप्रकाश जी? पतन की ये जो पराकाष्ठा है, इससे पहले हम कुछ पार्टियों में देखा करते थे, कुछ रीजनल पार्टियों में देखा करते थे, केजरीवाल ने उन सबको पार किया है, ये लगातार हो रहा है, और उनको कोई, जैसे उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल गए, जेल से सरकार चलाऊंगा, और अब वो इस बलात्कारी को तब तक पाले पोषेंगे, अगर बाई चांस अगर इनकी आगे केजरी वहां पे पंजाब में सरकार रहती है तो ये आगे भी उसको डिफेंड करेंगे। उनको पता है कि इससे कोई उनका राजनीतिक नुकसान नहीं हो रहा है, नैतिकता की कोई अर्थ नहीं है, संविधान का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है, अराजकता उनका लाना उनका उद्देश्य है, वो वही कर रहे हैं। उनके लिए अब नौकरी के लिए इस तरीके की हरकतें करना, जो आप बात कर रही हैं कि इस तरीके से किसी को नौकरी का झांसा देकर करना, ये काम ये इनकी पार्टी में लगातार होता रहा है। इससे पहले शाजिया जी ने अभी जो बताई, 3-4 उदाहरण उन्होंने एक सांस में गिना दिए, लेकिन वो अपने आप में एक एक कांड है इनके, और वो कांड इन कांडों पे ये बैठे हुए हैं, और उनको डिफेंड करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी है। सबसे खुशी की बात ये है, जो कांग्रेस पार्टी कल कहती थी कि ये आदमी जो है वो एनार्किस्ट है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं।